पर काम है, करना पड़ता है। गाइस व्हाट्सअप, सुबह के बजे हैं 3:15 हो गए होंगे। तो अभी वापस हम कल की तरह निवाई, वनस्थली निवाई जा रहे हैं और अभी पहुंच गए हैं अपन चाकसू। और इनकी फ्लाइट है मॉर्निंग की, तो इसलिए 3 बजे निकले हैं, 4:30 बजे तक इनको पिक करेंगे और एयरपोर्ट छोड़ेंगे। तो इस तरह का चल रहा है कुछ ज़िंदगी अभी फ़िलहाल। और टाइम्स में जा रहे हैं कस्टमर को पिक करने और ड्रॉप करने। ठीक है, पहुंचते हैं एक बार। और ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है ये चाकसू का है। जिनको नहीं पता इनको बता दूं, चाकसू जयपुर से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर दूर है और यहाँ की तहसील लगती है। और ये जो गाड़ी है, पार्सल गाड़ी है शायद ये, इसमें जयपुर निवाई, सवाई माधोपुर, बोली और सोपुर है। शोपुर नहीं है, सोपुर। ये थोड़ा सा करेक्शन था। ये निवाई से बनस्थली निवाई का रास्ता है और माशाल्लाह बहुत ही, मतलब टाइम हो गया इस रोड को बनते हुए और अभी ऐसा कर रखा है उन्होंने। हमारी गिट्टी रोड ही पड़ी हुई है रेड कलर की। अब देखो कब तक रोड बनाते हैं। मैं दिवाली पे आया था तब ये किसका काम चल रहा था और दिवाली के बाद से नया साल आने वाला है। इतना स्लो चीज़ें चल रही हैं, जबकि कोई कॉमन कॉलेज नहीं है यहाँ। बहुत से अदर स्टेट्स के पेरेंट्स आते होंगे। तो ये राइट साइड में है केएन मोदी यूनिवर्सिटी और इसके जस्ट बगल से ये सीधा वनस्थली विद्यापीठ जाता है रास्ता। तो रात के 4 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, सुबह ही हो गई मतलब। तो देखो साहब ऐसे टाइम पे निकले और पूरा सुनसान रास्ता है और रोड की हालत भी देख सकते हैं आप, मतलब हवा टाइट हो जाए। चाचा की बोले यार। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम वनस्थली विद्यापीठ और सामने जो आप देख पा रहे हैं लाइट सी जल रही है, इसका है मेन गेट। हाँ जी, तो कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है एयरपोर्ट और अपन वापस घर की तरफ निकल रहे हैं। बिकॉज इट्स 5:45 राइट नाउ और घर पे जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा रेडी होके उसके बाद में फिर वापस काम पे निकलेंगे। अगेन इन कस्टमर ने मुझे वापस रेफर किया है, लाइक शी सेड कि और किसी को भी जाना है तो उन्होंने मेरा नंबर रेफर कर दिया। माइट बी पॉसिबल कि आज दिन तक मेरे पास कॉल आ जाए। अगेन वी हैव टू कम, मे बी द चांसेस टू दिस पर्टिकुलर वनस्थली कॉलेज। तो जी दिन के बजे हैं 12, अब निकले हैं हम सुबह से। नींद तो खैर 9:15 बजे खुल गई थी, लेकिन फिर थोड़ा लेजी टाइप, क्योंकि 3 बजे उठे थे तो वाला प्रोसेस। एंड देन मॉर्निंग में बस उठ के अब रेडी होके निकले हैं और फिलहाल लक्ष्मी जी को उनकी सही जगह पहुंचाने जा रहे हैं। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना ओला उबर। ऐसे तो जमा हो गए हैं और अभी अपन ने ओला चालू कर लिए है। दोपहर के बजे हैं 1:20, टोटल काम हुआ है 231 का। टोटल अर्निंग में फर्स्ट राइड अपन ने 12:16 पे पिक करी है। 5 किलोमीटर का ड्रॉप था, 80 रुपये मिले हैं। मानसौर से उठाकर शांति नगर छोड़ा था गुजर की थड़ी के पहले जस्ट, उसके बाद सेकंड राइड कैंसिल कर दी कस्टमर ने और थर्ड राइड अभी छोड़ी है हमने। 12:32 पे पिक किया था मेट्रो मास से इनको और छोड़ा मेवाड़ अपार्टमेंट प्रताप नगर। 11.9 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर का पिकअप, 13 किलोमीटर के 150 रुपया मिले हैं भैया ऊबर में। और थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं पिछली वीक का मेरा हिसाब किताब कुछ नहीं था, ऊबर में मात्र 1880 रुपये का काम किया था खाली ऊबर में, बाकी अपना ऑफलाइन ज़्यादा काम हुआ है। वहीं ओला में आप देख सकते हो मात्र 562 रुपये का काम, लगा लीजिए अंदाज़ा फिर क्या रहा है सी। मतलब वो अपन ऑफलाइन चले दबा के, अब ऑफलाइन का पूरा डेटा नहीं है लेकिन ईजिली 12,000 रुपये का काम है पिछली वीक का। आए शाम के 4:30 और जैसा कि देख पा रहे हैं आप 3:34 का काम हुआ है खाली।
अभी जस्ट घर आए थे, थोड़ा सा लंच ब्रंच कुछ भी कह लीजिए आप करने। ये थी हमारी लास्ट राइड जो हमने चालू करने के बाद में स्टार्ट की थी। 5 बजे हमने राइड उठाई थी और 9.3 किलोमीटर का ड्रॉप था, 125 हमें मिले थे, पेमेंट ऑनलाइन था। मालवी नगर से उठाया था, दुर्गापुरा से, चंद्र कॉलोनी मतलब दुर्गापुरा बस स्टैंड से, और 5:03 को छोड़ा था। उसके बाद में नेक्स्ट राइड की थी हमने, जो कि 5:20 पर इनको पिक किया था। सी स्कीम में राइड थी, 1 किलोमीटर की भी मुश्किल से नहीं थी। हमें मिले हैं 46 रुपीज़ और टोटल बिल था 78 रुपीज़ का, और इनको पिक करने का टाइम था 5:20 है ना। उसके बाद 5:27 पर एक राइड पिक की थी हमने, इनको उठाया था अपने सी स्कीम से और छोड़ा था 200 फुट के आगे कमलानी नगर में कॉलोनी पड़ती वहाँ पे। टोटल बिल इनका शो नहीं करा क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट था, 187 का इनका हमें मिला ये 15.2 किलोमीटर के। और ओला में खाली एक राइड हुई है, ये 108 रुपये का इसका बिल है और 3.7 किलोमीटर की राइड थी, 80 रुपये हमें मिले, 11 मिनट इसको छोड़ने में लगे हैं। उठाया था हमने मोती नगर नित्यानगर नगर से और हवा सड़क पे छोड़ा इनको हिल्टन की जस्ट बगल में। तो उसके बाद हमने एक राइड और की थी 6:56 पे ओला में, और इनको हमने पिक किया था दरअसल सिविल लाइन से और छोड़ा था इनको ये अक्षत मेडवास, ये पड़ता है काफ़ी आउटर में, हाथोज के पास में पड़ता है। टोटल जो ट्रैवलिंग था 15 किलोमीटर का, टोटल बिल था कस्टमर का 365, 44 मिनट इनको छोड़ने में लगे और बिल बना हमारे लिए 270 रुपये हमें मिले थे। तो ओला में टोटल काम जो हुआ है 349 दो राइड में, ओके। वहीं उबर में भी जो हमने लास्ट राइड जो पिक किए, ये था 5 किलोमीटर का पिकअप भाई साहब, और 11.8 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, टोटल बिल बना है 279 का, हमें मिले हैं 196। ये इसमें इसलिए भाड़ा ज़्यादा मिल गया है क्योंकि उबर को पता है 5 किलोमीटर हमने गाड़ी को भिजवाया था, तो उस हिसाब से इन्होंने बढ़ के दे दिया ये। और 9 बज गए हैं, बस घर आ गए हैं। तो आज की डेट का अपना टोटल काम ये बना है जी 3240 रुपये, और गाड़ी हमारी चली है टोटल 245, और CNG हमने डलाई है 802 रुपये की, और इसके अलावा 200 रुपये का पेट्रोल है, तो 1000 रुपये का खर्चा अपना टोटल।